सुबह खुली हवा में सैर करना सबसे बेस्ट है और आसान तरीका है फिट रहने का। अगर आपने इस एक आदत को अपने रूटीन में शामिल कर लिया तो आप कई सारी बीमारियों के खतरे को टाल सकते हैं। टहलने से सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। टहलने के बाद आजकल जो एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है वो है जूस पीने का। वॉक के बाद लोग सेहत को और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए आसपास लगे जूस स्टॉल से जूस पीना पसंद करते हैं। वैसे सुबह की शुरुआत जूस से करने की सलाह तो एक्सपर्ट्स भी देते हैं, लेकिन बाहर मिलने वाला खुला जूस आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, आइए आज यही बात करते हैं। पार्क के बाहर जूस स्टॉल लगाने वाले कई बार पहले से ही जूस निकाल कर रख लेते हैं, फिर वही जूस कस्टमर को सर्व कर देते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी फल या सब्जी का जूस उसे निकलने के बस 20 मिनट तक ही आपको पी लेना चाहिए। ज्यादा देर रखने पर जूस में मौजूद विटामिन और एंजाइम्स खराब हो जाते हैं। ऐसे में आपको जूस पीने का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। बेहतर होगा कि जूस अपने सामने ही बनवा कर पिएं। फलों के अलावा अब लोग सेहत के लिए सब्जियों का जूस भी पीने लगते हैं, जिसमें करेले के जूस की काफी डिमांड है, क्योंकि ये सिर्फ डायबिटीज मरीजों के लिए ही फायदेमंद नहीं है बल्कि इसे पीने से डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि करेले का जूस ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, इसलिए आंख मूंद कर हर हेल्दी टिप को अपनाना बंद कर दें। रोजाना तो इसका जूस बिल्कुल भी ना पिए। सड़क किनारे मिलने वाले जूस सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि आपको उसके बनने की प्रक्रिया और टाइम का पता नहीं होता है। साथ ही जूस की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कई बार इसमें दुकानदार पानी भी मिलाते हैं और गंदे पानी की वजह से भी टाइफाइड जैसी बीमारी होने का खतरा होता है।